उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की रैली है। गाजीपुर के आरटीआई मैदान में रैली के जरिए मुलायम सिंह यादव यूपी में समाजवादी पार्टी के मिशन 2017 की शुरुआत कर रहे हैं। इस रैली के जरिए समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में अपनी ताकत दिखा रही है और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त मुलायम सिंह यादव जो पहुंच चुके हैं गाजीपुर। जिला कमेटी से भाई राजेश जी आपसे कहूंगा नेताजी को मजार पर, नेताजी का मजार पर भाई सानंद जी, राजेश यूथ, साहू जी सभी जो साथी है। अमित हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, मुलायम सिंह यादव पहुंच चुके हैं, किस तरह का उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, क्या कुछ जब वो पहुंचे तो किस तरह से तस्वीर देखने को मिली? देखिए जबरदस्त उत्साह था कार्यकर्ताओं में और इतना ही उत्साह से उन्होंने अपने राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच पर पहुंचने के बाद उन्होंने लोक बंधु का, क्योंकि आज सवा दिवस है उसके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वो माल्यार्पण कर रहे हैं और उसके साथ चलिए आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करूंगी। अमित, तो इस वक्त मुलायम सिंह यादव गाजीपुर पहुंच चुके हैं, बहुत अहम है एक तरह से अगर इस रैली को देखा भी जाए, क्योंकि पूर्वांचल पर नजर हर राजनीतिक दल की होती है और कहा जाता है पूर्वांचल पर अगर आपने अपनी जीत अपनी मजबूती दर्ज की तो काफी हद तक संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। शायद यही वजह है कि चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, फोकस होता है सबसे पहले जब रैली शुरू होती है तो पूर्वांचल पर। क्योंकि अगर हम गाजीपुर के पास ही बात करें, आजमगढ़ जो मुलायम सिंह यादव का संसदीय क्षेत्र है, पहले ये रैली आजमगढ़ में ही होने वाली थी लेकिन उसके बाद इसको बदल करके गाजीपुर कर दिया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, कभी न झुकना सीखा, उनका नाम मुलायम है, कभी न झुकना सीखा, उनका नाम मुलायम है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो रैली पर तमाम नेता इस वक्त और मंच पर तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं, स्वागत किया गया है मुलायम सिंह यादव का। क्या वो कहते हैं गाजीपुर में बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि पूर्वांचल की हालत हम अभी भी देखें तो उस तरह से विकास नहीं हुआ है। आज भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो पूर्वांचल में सामने खड़े होते हैं, विकास का मुद्दा बहुत अहम है, चाहे हम सड़क की बात कर लें, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर लें। आज भी पूर्वांचल इंसेफ्लाइटिस के दंश से जूझ रहा है। जब चुनाव होते हैं तब पूर्वांचल का जिक्र आता है, बड़ी बड़ी रैलियां भी की जाती हैं, लोगों को बताने की कोशिशें भी होती हैं कि विकास के पैमाने में किस तरह से साथ दिया। जो पार्टी सत्ता में होती है वो बताती है कि हमने क्या कुछ काम किया, जो नहीं होती वो बताती है हम क्या करेंगे। और ऐसे में एक बार फिर से यही सिलसिला शुरू है। तो गदा हाथ में लिया गया है, स्वागत किया जा रहा है मुलायम सिंह यादव का। इससे पहले एक विशाल माला पहनाई गई, अब इसके बाद गदा देकर के स्वागत किया जा रहा है। तो सम्मान समारोह, स्वागत समारोह इस वक्त चल रहा है, तमाम नेता मौजूद हैं, तैयारियां पूरी तरह से कहें मजबूती के साथ की गई है। लेकिन यहाँ कहते क्या है मुलायम सिंह यादव बहुत अहम हो जाता है। शिवपाल यादव जो कल से ही वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने ही तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया, देखा गया उनकी ओर से सब कुछ ठीक है या नहीं है, मुकुट भी पहनाया गया, अभी आपने देखा हाथ में गदा दिया गया पहले मुलायम सिंह यादव के, इसके बाद मुकुट पहना करके उनका स्वागत किया। नेताजी को अभिनंदन देंगे।